हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप ऋषिकेश। तो दोस्तों, दो साल पहले कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा चलने वाली वीडियो में से एक थी, जिसपे काफ़ी सारे व्यूज आए थे। तो वैसा ही माहौल एक बार फिर से बन रहा है। तो ये सिलसिला स्टार्ट फिर से तब हुआ जब थगे से एक वीडियो बना रहा था इंस्टाग्राम रील्स पे रिव्यू देने के लिए। तो उसमें एक वीडियो आई अदनान 07 की, जिसमें वो KGF की टोन पे एक डायलॉग है, आप देखना इस वीडियो में। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का, जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो ऐसा पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी एरर। उसमें बस रिएक्ट किया था कि ये चश्मा यहाँ से वहां कैसे चला गया, तो वही वाला बस रिएक्शन एक दिया था छोटा सा उसने। तो उस पे ही उस अदनान इतना ऑफेंड हुआ कि उसने उसको रात को 2 बजे कॉल करके माँ बहन की गालियां दे दी। तब थगेस भी क्यों रुकने वाला था, तो उसने भी फिर एक वीडियो बना दी रोस्ट की, फिर रोस्ट की वीडियो उसने बना दी, फिर इसने और कुछ करा, फिर ये सिलसिला चलते रहा। तो अभी लेटेस्ट वीडियो एक थगेस की आई है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्दुल अब्दुल दिस यार, ये ना जो भी वीडियो बनाई ना इसने अदनान 07 के लिए, सब में ना तलवार निकाल के दिखा रहा है, बैंक का काट डालूंगा। ट्रैक तो अब्दुल जी ने हमारे पे और बाकी यूट्यूबर्स पे एक डिस ट्रैक बनाया। ये डिस ट्रैक, अरे ये अब्दुल। वैसे वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस जो ये वीक चल रहा है, इस वीक में काफी सारी वीडियोस आने वाली है, जो कि YouTube और TikTok के ऊपर ही जो चल रहा है आपका ये सीन, उसी के ऊपर होने वाली है, तो काफी मजा आएगा। अब मैं भी रिएक्शन अपनी वीडियोस में देते रहूंगा, प्लीज आप भी देखना, तो आप सब आपको भी बहुत मजा आएगा। पहली बात, जिसने भी सुना माय कंडोलेंसेस। कहां से फोन निकल रहा है? Disclaimer, this content is just for entertainment purpose. Everything said in this video does not mean to hurt anyone. Okay? Nice, किसी को hate नहीं. It's like पहले days पे बोले no hate. छोटे तू कहना क्या चाहता है? पहली बात, अगर आपको अब्दुल पता नहीं है तो ये अदनान 07 का सगा भाई है. Okay? सगा भाई. ये अदनान 07 जिसपे थगेस ने पहले वीडियो बना के रिव्यू दिया था कि ये KGF का चश्मा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेके जा रहा है। ये मेरा खून है। यस, मैंने कब बोला तेरा स्पर्म है? यस, अब्दुल उर्फ बुरी बुरी जाइमोन। नाइस फ्लो अब्दुल भाई, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ये पहले कहीं सुना है? ऊपर से चमके कला से है ये तू, करते कुछ नहीं बस फोकट में मशहूर। उड़ता ये तीर ले लो, उड़ता ये तीर रॉकेट। फ्लो तो दूर की बात है, गाने के नाम में भी ज्यादा कोई मेहनत नहीं की गई है। चोर है साले, अंडा फूटेगा, अंडा शुरू हुआ पूरा केस वाला फंडा, डिग्री तभी लगेगा ठंडा, सुअर की नाक में घुसेगा झंडा, शुरू हुआ पूरा केस वाला फंडा, केस वाला केस वाला केस वाला फंडा। वेरी क्रिएटिव, ऐसा वर्ड प्ले अगर कर रहा है ना तो गले में जो डॉलर साइन लटका है ना पहले निकाल दे, लोगों का नाम खराब कर रहा है तू। एंड वन मोर थिंग, डिस्ट्रैक्ट में बहुत सारी गालियां हैं, आपको पता है मैं गालियां फीचर नहीं करता वीडियो में, तो मेरे को ऑलमोस्ट इसका पूरा डिस्ट्रैक्ट ही नहीं दिखाना पड़ेगा। तो समझा नहीं अब्दुल, अगर यही बनाना था, अगर गालियां देके ही डिस्ट्रैक्ट बनाना था तो इतना टाइम क्यों लिया, अदनान की कॉल रिकॉर्डिंग पे बीट डाल देता। सेम ही है भाई,
बंदा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे यार पता है क्या, ये गाने में सच में बहुत सारी गालियां हैं। मैंने भी सुना गाना है भाई, मेरे भी कान से खून निकल गए थे। मेरे को समझ नहीं रहा ये गाना है या मीम। अगर लोगों को एक वीडियो में इतने सारे मीम देखने होते तो थगेश अनफिल्टर्ड के वीडियो देख लेते। सर ये तो मेरा ही रोस्ट हो गया, बट एनीवेज सही बोल रहा है, सही, आज तक का सबसे बुरा टाइम मेरा भी गया। आमिर फ्रॉम टीम नवाब हूँ। यार मैं भी समझा नहीं तूने आमिर को सपोर्ट किया या डिस किया, बट अगर सपोर्ट किया है तू मान रहा है ये लड़ाई कौन जीत रहा है? मैं टीम नवाब हूँ, तुझे जवाब दूँ? अरे भाई तो घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है भाई, सीधा सीधा बोल दे तू इररिलेवेंट है। मैं भी चश्मा पहनता हूँ। वाओ ब्यूटीफुल लिरिक्स। जब से गाना आया मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आज फाइनली मुझे इस गाने का मतलब समझा। मतलब है कि मुझे भी अटेंशन चाहिए। गुड वर्क बंदे ने क्रेडिट करा दिया है। आर्टिस्ट अब्दुल, डायरेक्टेड बाय अब्दुल, एडिटेड बाय अब्दुल। मुझे सोहेल खान की इस मूवी की याद आ रही है, मैंने दिल तुझको दिया, डायरेक्टेड बाय सोहेल खान, प्रोड्यूस बाय सोहेल खान, स्टारिंग सोहेल खान। दोनों में पता है क्या सिमिलैरिटी है? सॉन्ग और मूवी दोनों ही फ्लॉप, उसके बाद दोनों आर्टिस्ट भी फ्लॉप। मेरे को बस अब्दुल भाई जितना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ, बिकॉज अगर मैं ऐसे लिरिक्स के साथ एक गाना बनाता ना तो मैं अपने आप को डिस्क्रिप्शन में कभी क्रेडिट नहीं देता, मैं रास्ते पे मुंह छुपा के चलता। कलाकार कलाकारी करके ही जीतेगा, तो भैया बॉक्सिंग मैच क्यों करनी है, कलाकारी करो। अदनान और अब्दुल को कोई पूछता होगा ना कि सर आप टायर वन, टायर टू या टायर थ्री कौन सी सिटीज में रहना पसंद करोगे, तो ये बोलेगा ऑफ कोर्स टायर थ्री, कि जितने ज्यादा टायर उतना ज्यादा मुनाफा। मतलब अब्दुल इतना यूजलेस है कि इसका नाम रखते समय भी मेहनत नहीं की गई। मैं निकल रहा हूँ ना, नाम क्या रखना है? अब्दुल रख दे। स्किप कर दिया। तेरे बाप से तू कुछ मेहनत की कमाई, मेहनत से कमा नहीं सकता। काफी टाइम से मैं बहुत ज्यादा चुप था, काफी टाइम से मैं बहुत ज्यादा चुप था, वो भी क्या वक्त था। नहीं गाइस, वो सुख के दिनों को याद करना जरूरी है। इसके गाने के लिरिक्स इतने वल्गर है ना, पता नहीं गाना कब और इसकी फैंटेसी ज्यादा लग रही है। हक दिया। एंड पूरा वीडियो इसने पानी की टंकी के ऊपर बनाया। अपरी ये और ये वीडियो में ज्यादा फर्क नहीं है। इसको लोगों ने बोला होगा कि बेटा जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचो, जा जाके ये बस छत तक पहुंच पाया। भाई इसको हाइप चाहिए। हाइप नहीं, पाइप मिलेगा। अच्छा क्या अब्दुल तेरा ही वीडियो दिखा रहा है क्या वो? भाई इसको हाइप चाहिए। हाइप नहीं, पाइप मिलेगा। जनरली अगर कोई पानी की टंकी पे नाच रहा है, गाना गा रहा है, कोई भी इंसान हो मैं बोलूंगा कि भाई ध्यान रख गिर जाएगा, पर इसे क्या बोलूं कि और कितना ही गिरेगा। इसने इस गाने में अपने आप को सर एपीजे अब्दुल कलाम और धोनी से कंपेयर किया है। यार फ्रीडम ऑफ स्पीच का कुछ ज्यादा ही गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। भाई अपने चैनल पे क्या टैक्स डालते व्यूज लेने के लिए, वो कुछ सामने आए। इंडिया रायट्स, कोविड-19। मुझे जानना है बंदा इतना इररिलेवेंट कैसे हो सकता है कि उसको एक रैप चैनल पे कोविड-19 टैग डालना पड़ रहा है व्यूज के लिए। बट ऑफकोर्स ये स्क्रीनशॉट आने के बाद इसने बहुत सारे टैग्स निकाल दिए, बट कोविड-19 अभी तक है। कोविड ने मुंबई में इतना कुछ किया, अगर टॉक्सिक चीजों की रैंकिंग देखे तो कोविड सेकेंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अभी भी तू और तेरा भाई है मुंबई में। यू नो गलती से मैंने इसका डिस्ट्रैक्ट बाहर बजाया, बिल्डिंग की सारी आंटियां डंडे लेके आ गई बाहर। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रही थी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है जो कि बहुत अशुभ होता है तो उसे भगाने आए। इसके वीडियो पे अभी 5-6 लाख व्यूज हो गए जो लोग गाली देने गए उसका, बट 2 घंटे में इसके गाने पे सिर्फ 7,000 व्यूज थे। इसका मतलब पता है आपको, इसके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 7,000 लोग है।
गाना एक अच्छा ट्राई था, मैं नहीं बोलूंगा बहुत बुरा है, बट मैं आर्या भट्टा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं अब्दुल के गाने को रेटिंग कैसे देता? जीरो। पता नहीं अब्दुल रैप पे किसको अपना आइडल मानता है, बट ये जब बोलता होगा ना उनको कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो वो भी बोलते होंगे भाई अपनी गलतियों का टोकरा मुझ पे मत फोड़। तो एक बार अदनान और अब्दुल ने अपने मैनेजर्स को जाके बोला, अच्छा बनाते हैं, बहुत टाइम से कुछ अच्छा कंटेंट नहीं बनाया। मैनेजर भी बोलता होगा, हाँ यार बहुत टाइम हो गया, 23 साल हो गए, अच्छा कंटेंट नहीं बनाया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला, अदनान भाई इस बार आईफा में भी गए थे, जहाँ पे हम श्योर शाहिद कपूर ने गाड़ी की चाबी थमा दी होगी जाके पार्किंग करके। अनन्या जी से मिले थे अदनान, वो भी मेरे को लगता है बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि अब वो वहां पे सबसे डंब नहीं थी। पता है क्या कॉमन है अदनान अब्दुल के करियर क्या बोलता है यार, दोनों ही रिवर्स में चल रहे। अब्दुल भाई मेरे को अदनान का तो समझ में आता है, उसे थर्ड हैंड रेंज रोवर की ईएमआई देने के लिए ये सब किया, लेकिन तू इसमें क्यों कूदा भाई, तूने कपड़े ले रखे क्या ईएमआई पे? आई थिंक अब्दुल भाई का डिस्ट्रैक्ट सुनने के बाद ना इंटरनेशनल रैप सोसाइटी ने डिसाइड किया कि आज से डिस्ट्रैक्ट का फुल फॉर्म होगा डिसगस्टिंग ट्रैक। कही है ये, घिनौना है ये। एक तो ये अदनान मेरी चैनल पे इतनी बार फीचर हो चुका है कि अब तो ब्रांड्स को जेलिसी होने लगी है। सच में ऐसे फीचर वीडियो बना रही है, कहीं ना कहीं खटका तो मैंने कॉल किया, मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे को, इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो एक काम कर, लाइव मिल सामने से एक दूसरे की रोस्टिंग करते, और बहन की गाली जबकि उसने दिया मुझे। अच्छा पहले गाली मैंने दी, इस बंदे की हिस्ट्री और इस बंदे की हरकतें, छोटा मोटा गेम नहीं करने का यार। ये वाली वीडियो ना उस पे उस वक्त ही है जब कैरी मिनाटी की वीडियो आई थी, जो मैं बता रहा था आपको, कैरी मिनाटी की जब वीडियो आई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली, उस टाइम का। अरे बाप को इसी बोलता यार तू, चाहे डे वन की स्टोरीज हो, अपने दूसरे बाप से बात कर, तेरा बाप बिजी है, मेरे नाम के बिना इनका घर का चूल्हा नहीं जलता। यूट्यूब पे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना और वीडियोज बनाना ये सब चीजों के ऊपर, उससे उसका चैनल ग्रो होगा, एक एंगेजमेंट ग्रो होगी, उसके अकाउंट बैलेंस ग्रो होंगे, पर इससे लोगों में गलत न्यूज फैलेगी और सामने वाले को हेट आएगा, जो कि मुझे आ रहा है और मुझे धमकी आ रही है। अच्छा धमकियां आ रही है, मेरे को लग रहा है ये सारे सीन के बाद ना बैंक्स ने इसके सारे क्रेडिट कार्ड ले लिए होंगे, लॉन्डे के पास एक ही चीज बची है जो वो लेके पैदा हुआ है, विक्टिम कार्ड। काम करते हैं, लीगल फाइट हो जाए किकबॉक्सिंग या एमएमए में, उससे जो भी पैसा बनेगा वो हम लोग चैरिटी में डोनेट करेंगे। इसको देख के आपको लगता है ये बंदा ट्रक ड्राइवर जी पैडल ये इतना जिसका फोन आया था तुमको अहमदाबाद से वो था हमारे बाप का नाम नहीं पूछा बेटा, हमारा टांग फैला के ऐसा बीच में ऐसे जूते मारूंगा। दुनिया में गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, चुप करे मैनेजर। ये रात को 2:30 बजे फोन करेगा, अरे थगेश भैया हम ना एक लीगल फाइट कर लेते हैं। लेकिन भाई रात के 3 बजे नहीं भैया, जो भी पैसे आएंगे ना हम चैरिटी को दे देंगे। इसने ये टोन में बात की होगी और लोग उसे और बहुत ज्यादा पर्सनल, हमारे पेरेंट्स तक, हमारे फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा बेटा, और जहाँ से हम लोग बिलोंग करते थे। वाओ मैं जेन्युइनली सैड हूँ, एक काम करता हूँ एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देता हूँ सैड वाला। इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये अपनी ऑडियंस के हिसाब से कर रहा है, जो इसके 10 लोग है जिसमें से 9 बॉट है और एक इसका भाई है। पर इन लोगों को याद आना चाहिए कि ऑस्कर विनिंग मूवी भी स्लमडॉग मिलियनेयर वो भी धारावी में ही शूट हुई थी, और गली बॉय मूवी जो बनी है वो भी धारावी से बनी है, और भी धारावी से बहुत सारे लोग भी धारावी से, जिनका तुम लोग वीडियोस यूज करके अपने कंटेंट में व्यूज पा रहे हो। वाओ बेटा धारावी में ही तेरे को पीटा था, रोज वहाँ के लोग भी समझदार है कि उनके इलाके का नाम कौन खराब कर रहा है। अभी की चैलेंज है, और गाइस आप लोग भी बोलो, ये एक अच्छा कॉज के लिए मैं बोल रहा हूँ, सोशल कॉज के लिए, लीगल फाइट हो जाए एमएमए की। पहले तो किकबॉक्सिंग और एमएमए बोला था, पर अब एमएमए ओनली प्लीज। ओके इजी इजी टाइगर इजी, कर मैं तुझसे बॉक्सिंग मैच करता हूँ चैरिटी के लिए, तो चैरिटी में सारे पैसे तो मेरी रीच से जाएंगे ना, तेरी ऑडियंस में से कौन आएगा? रोबोट्स करेंगे। नंबर तो है मेरा, प्लीज कॉन्टैक्ट, अगर आप ये सोशल कॉज में योगदान देने के लिए आप तैयार हो तो। कुछ हो ना हो, देख भाई तू टट्टी रीलर है, तू टट्टी इंसान है, लेकिन तू एक्टर बड़ा अच्छा है। Anyways, I feel that's it for today, guys. रही बात बॉक्सिंग की, किसी ने मेरे पहले ही इसका जवाब दे दिया है। I take shits bigger than that kid, alright? So that's it for today, guys. वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो do subscribe and don't forget to check out Aqualogica link description में। तो ये था reply थगेश का अदनान 07 के distract पे। तो यार ये कंट्रोवर्सी लगभग 10-11 दिन से चलती आ रही, मुझे लगा था खत्म हो जाएगी, पर नहीं, ये थमने का नाम नहीं ले रही, और मुझे लगता भी नहीं कि अभी ये थमेगी। अभी ये डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई थगेश ने किया है, फिर आगे भी अदनान क्या करेगा, चलो देखते हैं, मजे लेते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ करें।
और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे, कर ही देना यार।